देवदा, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता। मैं क्या करूँ नाथ, यहाँ फल फूल आदि कुछ भी नहीं दिखते हैं। झूठ बोलती है तू, जानबूझ के मुझे मार रही है। नाना मैं अंधा हूँ, अपंग हूँ, तुझे मैं भार हो गया हूँ। क्यों मत बोलो, क्यों मत बोलो। तो खाने को क्यों नहीं तू ला देती? मैं कहाँ से लाऊं? मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, सुपना उतरो नाथ, मैं कहीं से भी कुछ ले आती हूँ। तू झूठ बोलती है। स्वामी चाहते ओम नमः शिवाय। कौन है ये दुष्ट जो मेरे साथ टकराया? मुझे दुष्ट कहता है? मैं तो अंधा हूँ, तू भी अंधा है। तू मुझे अंधा कहता है? अनाज, मुझसे तू कहाँ से बात किया? एक तो मेरा तपोभंग किया और ऊपर से गाली बकता है। मैंने गाली नहीं बकी महामुनि, चाचा दिन के भूखे पेट का उद्गार था वो। हाँ। चार दिन से भूखा है। मैंने तप करते करते बरसों से अन्न जल को त्याग दिया है। तूने मेरे तप को भंग किया है। नीच पापी, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। सूर्योदय होने से पहले तेरे प्राण निकल जाएंगे। जा पापी। अपना श्राप वापस ले लो, मेरे बच्चे तो अंधे हैं। धनुष पर से छूटा हुआ बाण और महामुनि के मुंह से निकला हुआ शाप कभी वापस होता नहीं। छोकरी, ये तो अंधा है, पर तू तो देख सकती है ना? तूने अंधे को अकेले क्यों छोड़ा? कहाँ गई तेरी पति सेवा? पति सेवा का पाठ मुझे पढ़ा रहे हो मुनिवर? सेवा और साधना तो भारत की नारी को गर्भ में ही सीखने को मिलती है। मेरे सामने तू ऊंचा नीचा बोलती है, मैं कौन? ये तो शास्त्र जिसकी जीप पर रहते हैं, जिसकी आंखों के तेज से जलाशय में जल तपता है, वो महामुनि मांडव्य हम तुझे भी जलाकर भस्म कर देंगे। अरे जो स्वयं अपने क्रोध में जल रहा है वो मुझे क्या जला देगा? दिखावे में योगी पर स्वभाव से संसारी, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं। कंका में कोई फूलों का अर्घ्यार्पण करता है तो कोई नैना भी छोड़ता है, पर कंका तो सदा पवित्र रहने वाली है। छोकरी, मांडव्य मुनि का अपमान? आपने स्वयं अपना अपमान करवाया। तपस्वी का स्वांग धरा पर क्रोध को जीत न सके, स्वयं तरे औरों को तारे वो तपस्वी, इसके बदले आपने मेरे पति को मृत्यु वरदान दिया। कल्याण पद का यात्री आधे में ही रुक गया। जीत संभाल, नहीं तो मैं तुझे भी श्राप दूंगा। मुझे? मुनिवर, लगता है कि आपने साधारण स्त्री को ही देखा है, कोई सती नारी मिली नहीं शायद। सती? तू सती? अरे सतियाँ तो भारत के घर घर बसती हैं। आप हमें क्या श्राप का भय देते हो क्रोधी मुनि? ये नर्मदा की व्यथित आत्मा आपको श्राप देती है कि जिस तपोबल के कर पर तुमसे मानवता का अपमान हुआ वो जीवन भर का तुम्हारा तप नष्ट हो। नर्मदा, तुझसे मेरा तप नष्ट हुआ है और मुझे शाप दे के तू अपने पति के प्राण नहीं बचा सकती। उसकी प्रतीति अब होगी। यमराज तो दूर, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आवे तो भी निराश होकर पीछे लौटेंगे। लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सतीत के सामने टिके। इसका पता तो अब चलेगा। चलो स्वामी। नाथ, रात कितनी बीती? पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा
दूसरा प्रहर, रात बीत जाएगी और मैं भी नर्मदा, जब मैं मृत्यु का आवाहन करता था तो यमराज मुझसे दूर दूर भागते थे, अब आज अब भी दूर ही रहेंगे। पर इसी का श्राप। नर्मदा, यमदूत मुझे लेने आते हैं। यमदूत तो क्या, स्वयं यमराज आवे तो भी आपके प्राण नहीं ले सकते।